time but not taking action. And as Swami Chinmayananda says, decision plus action is equal to transformation. I repeat, decision plus action is equal to transformation, and decision minus action is equal to tension. We have decided, but if we don't take any action, somebody is coming. G.R.D. Tata says, my competitor is just 5 minutes behind me. If I lack taking an action, the guy is going to beat me hollow because the competition is so tough. People are those who are always thinking, chit-chatting, wasting time but not taking action. And as Swami Chinmayananda says, decision plus action is equal to transformation. I repeat, decision plus action is equal to transformation, and decision minus action is equal to tension. We have decided, but if we don't take any action, somebody is coming. G.R.D. Tata says, my competitor is just 5 minutes behind me. If I lack taking an action, the guy is going to beat me hollow because the competition is so tough. हम अपने कस्टमर को क्या देते हैं? Somebody said solution, somebody said satisfaction, somebody said value of money. We give our customer an experience, that's all. An experience या तो अच्छा है या बुरा है. Those of us who wants to grow in business, let me tell you one thing. Customer जब हमारे पास से निकले और जब जाए तो उसके मन में एक ही बात होनी चाहिए, wow, आहा, मजा आ गया. जिस दिन कस्टमर के मुंह से ये निकलना शुरू हो गया, वाव, आहा, मजा आ गया, उस दिन टर्नओवर और नेटवर्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं है. नेटवर्थ पीछे आएगा, क्योंकि आपका वर्थ बढ़ेगा तो नेट. Here comes a beautiful point. You know, many business owners, they come for personal coaching, counseling, this, that. And Mr. Rajesh, 100 crore, 200 crore, 250 crore. I say, ruk jao. Agar tum 3 mahine, 4 mahine mein crore ko multiply kar bhi loge, to infrastructure kahan se laoge? Jo tumhare already customer hain, unko satisfied kahan se karoge? Unko pehle satisfy karo, phir apna turnover badhao. So a business owner all the time must look ways how he can create, how she can create an experience called aha, an experience. Customer jab hamare paas se nikle aur jab jaye to uske man mein ek hi baat honi chahiye, wow, aha, मजा आ गया. जिस दिन कस्टमर के मुंह से ये निकलना शुरू हो गया, वाव, आहा, मजा आ गया, उस दिन टर्नओवर और नेटवर्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं है. नेटवर्थ पीछे आएगा, क्योंकि आपका वर्थ बढ़ेगा तो नेटवर्थ पीछे पीछे आएगा. फर्स्ट होस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच आ रही हैं, शीतल गौड़ जी, सिल्वर स्टार रैंक अचीवमेंट आप हासिल कर चुके हैं. एक बार जोरदार तालियों के साथ में डायनेमिक पर्सनालिटी शीतल गौड़ जी के लिए मैम हैंडल्स करें. कंटिन्यू मैम. हमारे पांच आज के जो हमारे होस्ट रहेंगे, जिसमें सिल्वर स्टार शीतल गौड़ जी, सिल्वर स्टार नूर मोहम्मद जी और पर्ल स्टार मिस्टर
रोहित कुशवाहा जी, 5-5 मिनट देंगे और ट्रेनिंग की क्या वैल्यू है इस पे बात करेंगे, क्यों हम राजेश सर के साथ में यहाँ पर हैं इस पे बात करेंगे। कंटिन्यू मैम, हैंड ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन और नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी के सामने मैं शीतल आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग वेबिनार को लेकर प्रेजेंट हुई हूँ, जिसमें आप सभी के साथ में मैं चाहती हूँ आपकी जो भी टीम है, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, सभी लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट होकर हमारे द्वारा जो स्पेशल हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल सर, उनको सुना जाए। आज उनके द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिल्ली एलडीपी से मिलती हुई आई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की अगर कोई भी पार्टिसिपेट्स या कोई भी मेंबर टीम मेंबर्स रह गए हो तो आप लोगों ने पर्सनली कॉल करके इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में आप लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक नवरात्रि स्पेशल सरप्राइज रखा गया है, जो कई सारे लीडर्सों को तो पता होगा लेकिन कई सारे लीडर्स जिनको नहीं पता है उन लोगों के समक्ष आज हम यहाँ पे लाइव प्रेजेंट करेंगे। तो सभी मेंबर्स से मैं गुजारिश करती हूँ कि अपने अपने टीम को जल्दी से यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो गेस्ट हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम की वैल्यू ना एक्सपेंड करनी पड़े, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं राजेश सर, उनको टाइम की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और जो कि मैं भी टाइम की वैल्यू करती हूँ, और आप सभी से भी गुजारिश है कि आप लोग टाइम की वैल्यू को देखते हुए आगे करेंगे। तो सभी मेंबर्स अपने अपने टीम को जल्दी से इनवाइट कर लीजिए। और ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ट्रेनिंग लेना सीखते रहना हमारी लाइफ में जब से हम आते हैं धरती पे और जब हम जाते हैं तब तक चलता रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिल जाती है, चाहे वो टीवी ले लो, चाहे वो रेडियो ले लो, चाहे वो मोबाइल ले लो। तो आज यहाँ पे लाइव हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे मोटिवेशनल कोच आने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग जल्दी से अपने गेस्ट को सॉरी अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए। बैक टू होस्ट सर। नूर मोहम्मद खान। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। मेरा आवाज क्लियर है सर? यस यस। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास वो समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, तू सिर्फ NBSOP में चल, तेरी जिंदगी बदलेगी और जिंदगी जाने का मजा भी आएगा। माय नेम इज खान, नूर मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर MIMS सर का, जिन्होंने इतनी बड़ी पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। माय डियर फ्रेंड, आप सबको मैं बता दूं कि हम सब बहुत ही खुश नसीब है कि आज इतनी बेहतरीन जिस ट्रेनर को लोग सुनने के लिए हजारों नहीं लाख नूर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस सर, कंटिन्यू। जी जी वही मैं बोल। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी ट्रेनर जिसको सर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया, और मैं देखता हूं कि हम लोग इतनी खुश नसीब है कि एक CEO, एक फाउंडर जिन्होंने कंपनी की स्थापना की और इस तरह से सर एक्टिव है आज के डेट में, मुझे नहीं पता कि इससे पहले 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में क्या किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 2024 में इतनी जुनून, इतनी जोश, इतनी सोच, इतनी थिंकिंग, इतनी पॉजिटिव, यानी मैं तो कहता हूं कि सुबह गुड मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे MD, हमारे CEO, हमारे कंपनी के फाउंडर कब सोते हैं, कब नहाते हैं, कब खाते हैं, मुझे इस चीज का पता तक नहीं, चूंकि मैं उसकी कोर मेंबर हूं और मैं उसकी एक्टिविटी को देखता हूं सर। इसीलिए मैं आज आपको तहे दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, आज ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं है, आज हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगा एक ऐसी व्यक्ति का
जिसकी चेहरा लोग देखने के लिए हजारों रुपए का पैसा देकर के उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, और जिसको हमें हमारे ग्रेट सीईओ ने फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शाया है। इसकी अहमियत क्या है इस मीटिंग का, माय डियर फ्रेंड? हम कल सीना ठोक करके दुनिया को कह सकते हैं कि हमें इससे बड़ा, सर मैं आपको बता दूं, 10 साल की जर्नी में ना जाने कई कंपनियों के फेल होने के बाद कई कंपनियों में मैं पास भी हुआ, और लाख नहीं करोड़ों के आसपास इनकम करने के बाद आज मैं सर से एक चीज मुझे समझ में आता है कि इससे बढ़िया एमडी, इससे बढ़िया सीईओ, इससे बढ़िया डाउन टू अर्थ अपने टीम के लिए हेल्प करना, इससे मैंने कभी नहीं देखा है दोस्तों। इसलिए सभी लीडर्स मैं यही कहूंगा, आज मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अभी मैम बोल रही थी कि आप अभी भी कॉल कर सकते हो, कोई कॉल करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि 500 का पैनल फुल हो चुका है। लेकिन अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट क्या करूंगा, जब तक हमारे सीईओ साहब इसमें रहेंगे, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जब तक हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेशनर, इस इंडिया के नहीं पूरे दुनिया के बेहतरीन स्पीकर हमारे साथ रहेंगे, मैं इस 500 लोगों से यही ही कहना चाहूंगा, ये पैनल हिलना डुलना तक नहीं चाहिए, बस ये रिक्वेस्ट है। हो सकता है अभी आपने खाना नहीं खाया हो, कोई बात नहीं, 2 घंटा बाद खा लेना। हो सकता है आज आप लेट जल्दी सोते थे, 2 घंटा बाद लेट सोना। हो सकता है आपकी बच्ची रो रहे तो आज अपने पति को थमा दो, अगर पति का कोई बच्चा रहा है तो अपने हस्बैंड को थमा दो, कुछ भी करो, लेकिन ये पैनल से आपको हिलना नहीं है। यहां तक को मैं कहता हूं वॉशरूम उशरूम कुछ भी नहीं जाना है, आपकी ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीईओ और एमडी की बातों पे होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, इस मीटिंग को इतनी शिद्दत से अटेंड कीजिए, इतनी शिद्दत से अटेंड कीजिए कि आज का दिन हमारे लिए एक यादगार पल रहेगा कि हम डे वन से 500 लोग तो थे, लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई 500 से 5 भी नहीं हिला। तो आज का ट्रेनिंग में तब मानूंगा कि आप दिल से इस चीज को अटेंड कर रहे हो दोस्तों, और मैं भी लास्ट तक अटेंड करूंगा, और लवली टाइगर टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूं, जो पूरे अब तक 10 स्टेट और ना जाने कितने शहरों में फैल चुका है, और अभी तो ये कारवां कुछ नहीं दोस्तों। हम ये 3 महीना इतनी मेहनत करेंगे कि 2025 का सूरज उठेगा और लवली टाइगर का टीम का झंडा पूरे इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, इसका प्रूफ मैं खुद दूंगा सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे समय दिया, और मैं इसी के साथ अपने बानी को लास्ट में मैं 2 ग्रेट सक्सेस के लिए एक लाइन कह करके अपना मैसेज खत्म करूंगा, खास करके सीओ साहब और राजेश अग्रवाल करके सर के लिए, कि सर हम तो सोचा करते थे हम ही चाहते आपको, कि सर हम तो सोचा करते थे हम ही चाहते आपको, पर देखा तो आपके चाहने वालों का काफिला निकला, और गलती से जब शिकायत की उस खुदा से, पता क्या चला वो खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। थैंक यू मेरे मित्र। सर अगर मीटिंग लाइव हो रहा हो यूट्यूब पे, अगर लाइव करना हो तो उसका लिंक भेज दें, क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैसेज आ रहा है वो नहीं जुड़ पाए हैं, पैनल फुल हो चुका है जिस कारण। Thank you, core team, or thank you, silver star ranker or gold star rank achievers. Next, Rohit Kushwaha ji. Yes. Voice clear, sir? Welcome. Welcome. Okay, sir. Thank you. Good evening, all of you. Namaskar, saathiyo. Time ho chuka hai, sir. Lekin ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, शॉर्ट टाइम में अपनी स्पीच रखूंगा। साथियों, माय सेल्फ रोहित कुशवाहा एंड बिशोपी पर्ल परमोटर पैनल पे उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत वेलकम करता हूं। साथियों, आज बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमारे बीच में सर के माध्यम से इतनी बेहतरीन आज ट्रेनिंग सेशन हम सभी को मिल रहा है, और कहते हैं साथियों, सफर कामयाबी का जो सीखेगा वही जीतेगा, और सीखने के साथियों बहुत जगह से हम सीखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हम यहाँ पे प्रॉपर एक नेटवर्क बनाने आए हैं, और कहते हैं नेटवर्क बनाना एक कला है, कोई मजाक नहीं है, और नेटवर्क तो हम सभी बना ही रहे हैं, लेकिन वाकई में एक कैसे अच्छे तरीके से नेटवर्क बनाए उसकी कला सिखाने के लिए हम सभी के बीच में राजेश अग्रवाल सर आ रहे हैं,
तो साथियों बेसब्री से आपका इंतजार अभी पूरा हो रहा है, पूरी ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, सीखिएगा, क्योंकि साथियों पूरे तरीके से सर के पास जो एक्सपीरियंस है उसको सीख करके हम सभी एनवी शॉपी के अंदर पूरे भारत में अपनी टीम को बनाएंगे। और जो उम्मीद लेकर आए हैं कि आज यहाँ से 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम करेंगे, साथियों सर के जो दिशा निर्देश होगा, जो सर का सजेशन होगा, उसके अनुसार काम करके हम सभी बहुत जल्दी बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्डअप कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा मीटिंग में, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही है जिसको सीख के हम लाखों तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर, बस इतना ही कहूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सर को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इन्वाइट किया, थैंक यू सो मच। सर YouTube लिंक मांग रहे हैं सभी लोग, YouTube लाइव करवाइए ताकि जी जी काफी सर ऐसे साथी हैं जो नहीं आ पाए। जी जरूर करवाते हैं, 1 मिनट के लिए। रोहित सर आप सर को होस्ट बना दीजिए एक बार, एनवी शॉपी ऑफिशियल के नाम से जो है आप सर को होस्ट बनाइए। सर होस्ट हैं आप? हमारे बीच अगर विनीता मैम है तो एक छोटी सी स्टोरी, लाइव स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे, सभी फाइटर्स के साथ एक लाइव छोटी स्टोरी। एक आम व्यक्ति कैसे खास हो सकता है और कितने कम समय में क्या अचीवमेंट कर सकता है, आप ही के बीच से आकर कैसे उन्होंने एनवी शॉपी के अंदर अपना परचम लहराया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बुलाएंगे यहाँ पर न्यूली सिल्वर स्टार अचीवर्स जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ आकर वर्क किया और वर्क करने के बाद में अपने आप को साबित भी किया कि अगर आप सोच लें तो हर चीज मुमकिन हो सकती है, अगर आप सोच लें तो हर चीज मुमकिन हो सकती है माय डियर फ्रेंड। और आज उन्होंने जो किया है, मैं चाहूंगा जितनी माता बहनें हमारे साथ हैं वो सभी उस चीज को देखें और उससे प्रेरणा लें कि वाकई ही ये मुमकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, रियल में ट्रूली ऐसा हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, डेफिनेट ऐसा हो सकता है। क्या हुआ है चलिए जानते हैं। मैम 2 मिनट की अपनी स्टोरी बताएंगे आप, आपने स्टार्ट कैसे किया एनवी शॉपी को, कहां से आपने शुरू किया, कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और कितने कम समय में क्या किया और आज आपने जो अचीवमेंट की है, जो आपने आज अचीवमेंट की है वो जरूर दिखानी है हमारे सभी फाइटर्स को। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ यहां पर हम बुलाएंगे डायनेमिक पर्सनालिटी, मात्र कुछ ही दिन के अंदर एक बड़ा इतिहास रचते हुए हमारे साथ में विनीता तोमर जी, क्योंकि सर का समय है 8:30 बजे का। और वेलकम 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 मैम, कि जो लोग हमारे साथ आए हैं वो देखें कि रियल में ट्रूली क्या वाकई ही ये सिस्टम हमें बहुत आगे ले जा सकता है, क्या हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, क्या हमारे ड्रीम को पूरा कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि आप आए हैं तो आप सभी लोग इस चीज को यहाँ बेहतर तरीके से समझे और देखें। तो विनीता जी, इनवाइटेड करते हैं हम आपको जोरदार तालियों के साथ, वेलकम है आपका। वेलकम मैम, वेलकम 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 आपका। हेलो जी मैम, वॉइस आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने मुझे इस काबिल समझा बोलने के लिए, पैनल पे बुलाया आपने सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनीता है, मैं नोएडा यूपी से हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन वासिद अली सर है, मेरे सुपर अपलाइन मिस रेखा कुकरेजा मैडम है और मेरे मेंटोर MIMS सर है। मैं अपनी थोड़ी जर्नी आप सबको बताना चाहूंगी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया एनवी शॉपी को। 10 मई को मैंने स्टार्ट किया था, यानी मुझे 1 साल कम्प्लीट हो चुका है। मैं एनवी सुपर मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए,
वहां मेरी वासिद अली सर से मुलाकात हुई थी। वासिद सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। मैंने कहा सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं टीचर हूँ और मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। सर ने कहा मैम आपको कोई भी अपना काम नहीं छोड़ना है, यानी टीचर की जॉब आपको करनी है। अगर ये काम आपको पार्ट टाइम में करने करने के लिए मिले तो कैसा रहेगा। मैंने कहा सर बेस्ट रहेगा उसके लिए। उसके लिए भी कम से कम मैंने 10 दिन का टाइम सर से लिया था, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ कहीं टूर पे जाना था। 10 दिन बाद मैं आई थी तो सर से मेरी मुलाकात हुई वासिद अली सर से। फिर मैंने स्टार्ट किया ये वर्क और आज स्टार्ट करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा। मैं एज अ टीचर हूँ और टीचर के साथ साथ यानी 7 साल मैंने टीचर की जॉब की। 2017 से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। 7 साल में जो मैंने टीचर की जॉब से हासिल नहीं करा वो मैंने 1 साल के अंदर अंदर एनवी शॉपी से अचीव करा है। अगर अपनी अचीवमेंट की आपको बात बताऊं, 2.5 लाख प्लस से ज्यादा अर्निंग कर चुकी हूँ यहाँ से। मैं नैनीताल अचीवर्स भी हूँ, गोवा अचीवर्स भी हूँ, और अभी जो हमारा दिल्ली के अंदर एक सेमिनार हुआ था यानी LDP हुआ था उसमें भी मैंने अचीव किया है। और नेक्स्ट में अगर आज आपको बात करूं, मैंने स्क्रीन शेयर करके मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैंने क्या अचीवमेंट किया एनवी शॉपी की इनकम से। ये आप सबके सामने ट्रू है। आप आज देख सकते हो, आज की डेट आप देख सकते हो कि आज की डेट क्या है, 3 अक्टूबर 2024, ठीक है। और आप डेट भी देख सकते हो, आप डेट भी देख सकते हो और इनकम भी देख सकते हो कि मैंने क्या परचेज किया। मैंने वीवो V40 प्रो फोन मैंने यहाँ से परचेज किया, किससे, एनवी शॉपी की इनकम से। इनकम आप देख सकते हो कितना है, 50,000 रुपए। सब आप देख रहे हो, ट्रू है ये, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ये नहीं है कि अपने पैसे से लिया या उससे लिया। ये इनकम यानी एनवी शॉपी की इनकम से लिया है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जो एनवी शॉपी को फ्रॉड कहते हैं और ये कहते हैं कि एनवी शॉपी चलेगी नहीं, ये नहीं होगा, मैं और लोगों के लिए नहीं कहती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए कहती हूँ कि जो मैंने 7 साल टीचिंग की जॉब करके हासिल नहीं किया वो मैंने 1 साल के अंदर अंदर हासिल करके सब लोगों को बता दिया। 2.5 लाख 1 साल के अंदर कमाना बहुत मुश्किल होता है। अगर 7 साल में मैंने टीचर किया, अगर आपको बताऊं ज्यादा से ज्यादा 3 लाख या 4 लाख के समथिंग मैंने अर्निंग किया वहां से, और अपना टाइम भी दिया है, सब कुछ दिया है। वहां मेरी ना तो कोई रिस्पेक्ट थी ना कुछ था, टाइम किया तो मुझे पैसा मिला। अगर नेक्स्ट उसकी मैं बात बताऊं, 15 दिन मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं बीमार हो गई थी 15 दिन। एनवी शॉपी से 15 दिन मेरी लगातार इनकम आई थी, एक भी दिन गैप नहीं हुआ। जब मुझे अपनी टीचर से यानी स्कूल से जो मैंने 15 दिन बाद सैलरी जो मिली थी, 15 दिन बाद जो मैं गई थी, 15 दिन की सैलरी मुझे कट करके मिली गई थी। उस दिन मैंने अपना माइंड लगाया कि यार एनवी शॉपी मैं जॉब करने के लिए नहीं गई 15 दिन, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया, 15 दिन लगातार मेरा पर डे इनकम आई है, तो सबसे बेस्ट क्या है, कि एक जॉब बेस्ट है या एनवी शॉपी बेस्ट है। उस दिन मैंने डिसीजन लिया और आज ये डिसीजन मैं आप सबको कह रही हूँ कि आप भी लीजिए। आज मैंने टीचर की जॉब छोड़ के परमानेंट मैं एनवी शॉपी कर रही हूँ, परमानेंट मैं एनवी शॉपी कर रही हूँ। जितनी भी मेरी सिस्टर है या मेरी ए टू जेड कोई भी हो सकता है, मेरे पापा के बराबर है, मेरे भाई के बराबर के है, जो भी है, मैं आप सबको यही वो करना चाहती हूँ, इन्फॉर्म दे करना चाहती हूँ कि प्लीज एनवी शॉपी के साथ जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। क्योंकि जॉब से सिर्फ आपकी जरूरत पूरी हो सकती है, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते है। और लाइव मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि जॉब से सिर्फ मेरी जरूरत पूरी होती थी, जरूरत भी पूरी नहीं हो रही थी। सैलरी सिर्फ 15 तारीख को यानी 15 दिन बाद मुझे मिलती थी। 15 दिन से 20 तारीख और 25 तारीख को वो सैलरी एंड हो जाती थी, क्योंकि फैमिली में मैं ही कमाने वाली हूँ। मेरे पापा नहीं है, मैं मम्मी और मेरे भाई है। सिर्फ पूरे घर को कौन चला रहा है, मैं चला रही हूँ। आज मेरे फैमिली वाले, मेरे भाई आज इतना प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर कि 50,000 का फोन कोई एक बिजनेसमैन भी नहीं ले सकता, और मैंने 50,000 का फोन आज लिया है। थैंक यू सर। एम एस सर को कहना चाहती हूँ मैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और मुझे पल पल गाइड करने के लिए। थैंक यू एम एस सर। तो देखा आप सभी ने,
अपना माइक बंद करिए। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप सबने देखा एनबी शॉपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप चले जाइए फटाफट अहमद एनबी शॉपी ऑफिशियल पे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए एनबी शॉपी अहमद ऑफिशियल, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। अपनी टीमों को वो लिंक शेयर कर दीजिए ताकि लाइव लोग वहां पर हो जाएं। एनबी शॉपी ऑफिशियल अहमद ऑफिशियल, ओके लिंक आ चुका है चैट बॉक्स में, आप वहां से जाकर अपनी टीमों को दे सकते हैं। तो चलते हैं, अभी आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ न्यू, पहली बार मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी ने एंट्री की जो अगर बात करते हैं तो प्राइवेट टीचर के रूप में थी, और उसके बाद उन्होंने अब क्या किया आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। कितने दिन में क्या किया, 50,000 का फोन लेना आज की डेट में एक गृहिणी या फिर एक जॉब करने वाली लेडी के लिए, वो भी 10-15 हजार रुपए की अगर जॉब कर रहे हैं, लेना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का, नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है वो कुछ भी कर बैठते हैं, तो नामुमकिन नहीं लेकिन मुमकिन भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि अगर आप 10-15 हजार रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 का फोन आप कैटर नहीं कर पाते, केयर नहीं कर पाते। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है, ये एनबी शॉपी की ब्यूटी है, जहां पर विदाउट एनी लेवल्टी, बिना किसी हेडेक, जीरो इन्वेस्टमेंट से आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट जीरो इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई अगर एक पान की दुकान भी खोलने जाते हैं, एक छोटा सा पान का खोका भी खोलने जाते हैं, तो उसके लिए भी 50,000 रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है। बट यहां पर आपका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिंगल एक प्रोडक्ट परचेज कर अपनी आईडी एक्टिवेट होती है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद बस मिलने मिलाने का सिलसिला चालू कर देते, और वो मिलने मिलाने का सिलसिला आज उस लेवल पे आ गया है माय डियर फ्रेंड कि 50,000 का फोन परचेज किया, बाकी जो इनकम घर में जा रही है वो उस सैलरी से कई गुना बेहतर है, और सबसे बड़ी चीज टाइम फ्रीडम है। क्या विनीता मैम, ऐसा लगता है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, जाने का है, ऐसा कभी ऐसा फील हुआ कि ऑफिस का जाने का टाइम हो गया, जल्दी चलो, कोई डांटेगा? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। जो जब हम स्कूल पर कंटिन्यू अगर 5-10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल वाट लगा देता वहां से, क्या बात। तो अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पर डायनेमिक पर्सनालिटी को माय डियर फ्रेंड्स। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। जो जब हम स्कूल पर कंटिन्यू, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ के देखिए आप सभी फाइटर्स कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, एक आम व्यक्ति को, एक खास व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 101% टाइम फ्रीडम है, और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ टाइम के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ माय डियर फ्रेंड। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, इतना खूबसूरत बिजनेस जिसका नाम है एनबी शॉपी, आप लोगों के लिए आज की डेट में एक ऐसा अवतार बनकर आई है कि जहां पर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, और ऐसे चीजों को पूरा करने के लिए आपकी मदद करने आ रही है एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने इतिहास रचा है मार्केट के अंदर। उनका नाम है मिस्टर राजेश अग्रवाल। अपने आप में इंटरनेशनल, आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं उनकी, तो इंटरनेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारी लोगों की लाइफ को बदल दिया, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, और साथ में एक और लैंग्वेज उर्दू, चार लैंग्वेज को जानते हैं, और चार लैंग्वेज में प्लान प्रेजेंटेशन नहीं, ट्रेनिंग देते। हम सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन देते तो हम अपने आप को गवर्नमेंट समझते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए, बट वो चार लैंग्वेज में आज की डेट में लोगों को ट्रेंड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, थाईलैंड, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसी जगहों पर, दुबई, ऐसी जगहों पर लोगों को ट्रेंड कर आए, और वो पर्सनैलिटी आपके लिए आ रही है यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। उनसे सीखने को मिलेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट है उनका जिस प्रोडक्ट को अगर आपने वाकई ही रिकमेंड कर दिया तो आपकी टीम चार गुना जंप करेगी, और आपकी टीम में मैक्सिमम कैपिंग अचीवर्स रहेंगे, मैक्सिमम कैपिंग अचीवर्स रहेंगे माय डियर फ्रेंड।
क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की हम सबको जरूरत है और खास तौर से फ्रेशर को तो डेफिनेट जरूरत है। रीजन कि हमें स्टार्ट कैसे करना है हमें यही नहीं पता होता, हमें शुरू कैसे करना है, हमारे 10 लोग जुड़ गए उनके साथ काम कैसे करना है, हमारे 20 लोग जुड़ गए उनके साथ काम कैसे करना है, हमारे अगर 50 लोग 100 लोग जुड़ गए कैसे काम करना है, अगर हमारे 1000 लोग जुड़ गए कैसे काम करना है, 10000 लोग जुड़ गए कैसे काम करना है। माय डियर फ्रेंड, ये सब कुछ सिखाएंगे आपको इस कोर्स के माध्यम से लाइव सेशंस को मिलने वाले। ऑनलाइन मार्केट के अंदर आउट ऑफ अगर बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर एनबी शॉपी से बाहर की अगर बात करते हैं तो ये कोर्स 10000 से स्टार्ट होता है। आज उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं आप सभी के बीच में और एनबी शॉपी के माध्यम से कोर्स में बड़ा मजा आने वाला है, बट वहां लाइव सेशन उनको फिर भी नहीं मिलते, लाइव सेशन फिर भी नहीं मिलते, यहां आपको मिलने वाले हैं 5 days 5 hours 5 घंटे 5 दिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चीज बनाई है उन्होंने आपके लिए, एक ऐसी चीज बनाई है वहां पर कि आप अगर प्रैक्टिकल उसको सीख लिए तो लाइफ में आपको फिर किसी कोच या मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में आप संपूर्ण हो जाते हैं। और इस चीज से क्या फायदा होने वाला है कि आपकी टीम अल्टीमेट बन सकती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और टीम के साथ वर्क करना ही तो सबसे बड़ी खूबी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को नहीं आती, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी टीम नहीं बना पाते। करते तो 20-20 साल से है नेटवर्क मार्केटिंग, 10-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गाइडेंस उनको मिल ही नहीं पाया जिसकी वजह से वो करोड़पति बन सकते थे। माय डियर फ्रेंड, मौका है करोड़पति बनने का, आप सबको मौका है करोड़पति बनने का। एनबी शॉपी ने आपके लिए क्या कर दिया है, एनबी शॉपी ने आपके लिए क्या कर दिया है, जिनकी कीमत अगर मैं बात करता हूं रुपीज में, एक कीमत अगर वो आप जाते हैं उनके सेशन को अटेंड करने के लिए तो 35,000 प्लस जीएसटी आती है, एक इवेंट का 7 लाख रुपए लेते हैं मात्र 3 घंटे का, 7 लाख रुपए 3 घंटे का चार्ज करते हैं वो, मिलने के लिए उनसे 50,000 रुपए देने पड़ते हैं तब अपॉइंटमेंट मिलता है, तब मिलते हैं 1 घंटा देते हैं 1-to-1 50,000 रुपए और आप सब मिल रहे हैं ऐसी पर्सनालिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माय डियर फ्रेंड, ये मुमकिन करा एनबी शॉपी ने आप सभी के लिए, ये मुमकिन किया। और मैं आप सबको फिर कहना चाहूंगा, मेरा टारगेट है जब तक आप उस लिस्ट में टॉप लिस्ट में नहीं आ जाओगे वर्ल्ड की टॉप लिस्ट रैंकिंग में, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक आपको सिखा सिखा के जब तक आप पूरी तरीके से गुरु नहीं बन जाते, जब तक आपका खून चूसता रहूंगा। सोच लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे विनीता मैम ने आज 50,000 का फोन लिया है, कल जब भी कोई आईफोन लॉन्च हो सबसे पहले आपके हाथ में हो। Yes. सबसे पहले आपके हाथ में हो, क्यों हो? क्योंकि पैसे का ही बोलबाला है, और जब पैसा आ रहा होगा तो कोई भी फोन कोई भी चीज आपकी पहुंच से दूर नहीं होगी। और ये मुमकिन है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक ही ऐसी कंपनी जो जीरो टेंशन फ्री बिजनेस स्मॉल स्टार्टअप, मात्र जस्ट स्टार्टअप की बात करते हैं, एक आम आदमी बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है एनबी शॉपिंग। एनबी शॉपिंग माय डियर फ्रेंड, जो खुद एक समय में छोटी सी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल मात्र एक सोच से स्टार्ट हुई थी, और ये सोच आज एक बहुत बड़े काफिले के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, हम 1,02,42,000 प्लस लोग हो चुके हैं। मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलते हैं और बुलाते हैं गुरुजी को यहाँ पर, मुझे लग रहा है शायद गुरुजी को मौका नहीं मिलेगा इंटर करने का। तो ओके, तो हमारे साथ अगर गुरुजी आ चुके हैं तो मैं चाहूंगा गुरुजी हैंड रेज करें, काफी देर से वो प्रयास कर रहे हैं आई थिंक। ओके, गुड न्यूज है कि हमारे साथ यहाँ पर गुरुजी आ चुके हैं, और एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिन्होंने 100+ सिटी के अंदर तहलका मचाया है, 100+ सिटी के अंदर। तो छोटा सा एक क्लिप चलाना चाहूंगा मैं सर का पहले, उसके बाद उनको इनवाइट करेंगे हम आप सभी के साथ। छोटा सा एक क्लिप चलाना चाहूंगा मैं आप सभी के साथ, सर के साथ, सर को बुलाने से पहले, क्योंकि वक्त की कदर को समझे।
और वक्त की नजाकत को समझे। आप सभी जितने भी फाइटर्स हैं, अगर समय को ध्यान रखेंगे तो यह समस्या नहीं होगी। आज बहुत सारे लोग इस समय मीटिंग के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे जो मीटिंग के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब अगर पहले आ जाते तो इंटर हो जाते, बट अब नहीं आए तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। चलिए एक क्लिक के साथ हम सर को यहाँ इनवाइट करेंगे, आप सभी के साथ बीच में डायनेमिक पर्सनालिटी, धमाकेदार पर्सनालिटी, मेरे गुरु। अगर मैं बात करता हूं, आज मैंने जो सीखा है वो आपसे सीखा है, तो मेरे गुरु मैं उनको आपके साथ यहाँ पर, आप सभी के साथ यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूं। एक डायनेमिक पर्सनालिटी को जिन्होंने कितने लोगों की लाइफ में क्या क्या परिवर्तन लाया वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम चलते हैं आप सभी के साथ और देखते हैं एक क्लिप को, क्योंकि इस क्लिप से आपको समझ में आएगा कि कौन आ रहा है आपके बीच में, कौन आ रहा है आपके बीच में। और आप बहुत लकी हैं एवरीवन, जितने भी फाइटर्स हैं आप बहुत लकी हैं। मैं फिर कहूंगा, हम सब ने पैसा देकर सेशन अटेंड किया सर का, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर के दीदार करने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शेयर करते हैं यहां पर हम। ninety-seven percent people are those who are always thinking, chit chatting, wasting time, but not taking action. And as Swami Chinmayananda says, decision plus action is equal to transformation. I repeat, decision plus action is equal to transformation, and decision minus action is equal to tension. We have decided, but if we don't take any action, somebody is coming. G.R.D. Tata says, my competitor is just 5 minutes behind me. If I lack taking an action, the guy is going to beat me hollow because the competition is so tough. कुछ समझ में आया? नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि है ही इतने खूबसूरत, है ही इतने ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंडसम, सब कुछ कह डालूं कम है, क्योंकि जिसको आप प्यार करते हैं तो सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है उसके सामने। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जब आने लगे आपके सामने तो माहौल ही बन जाता है माय डियर फ्रेंड। तो चलते हैं फिर से। 97% people are those who are always thinking, chit-chatting, wasting time, but not taking action. And as Swami Chinmayananda says, decision plus action is equal to transformation. I repeat, decision plus action is equal to transformation, and decision minus action is equal to tension. We have decided, but if we don't take any action, somebody is coming. G.R.D. Tata says, my competitor is just 5 minutes behind me. If I lack taking an action, the guy is going to beat me hollow because the competition is so tough. Thank you everyone for participation. और मैं सभी का माइक अनम्यूट करने जा रहा हूं। आप सभी लोग यहां पर जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे। दिखा दो इस जहां को कि आपसे पहचान कोई नहीं। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, 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 चलते हैं हम डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ में, और ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिन्होंने बहुत सारी लोगों की लाइफ में परिवर्तन ऑलरेडी पहले से ला दिया है। तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत यहाँ पर, और
एक बार सर हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर होस्ट बना देता हूँ। जी आवाज आ रही है मेरी एमएस साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, गुड इवनिंग एमएस साहब, क्या हाल है आपके? वेरी गुड इवनिंग सर, ऑल वेल, ऑल गुड। और आप आए तो बस बाहर आई। आपका प्रेजेंटेशन मैं सुन रहा था और इतने सारे हमारे चाहने वाले हमारा स्वागत कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा शुक्रिया, मेहरबानी, सलामत रहे आप सबकी जवानी है। ऑल राइट, तो हम कहां से बातचीत शुरू करें? आप ही थोड़ा इशारा करें फिर मैं बात आराम शुरू करता हूं। अभी आपको एनवी शॉपी के सभी वो फाइटर्स सुन रहे हैं जिन्होंने आज स्टार्ट किया या जिन्होंने पहले स्टार्ट किया, वो सभी फाइटर्स आपको सुन रहे हैं। और हम जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो लॉन्चिंग आपके द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जो बच्चे अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं या पहली बार हुए, और अभी एक बच्ची ने, अभी आपने अगर आप समय पे आप आए रहे होंगे तो आपने देखा होगा, एक बच्ची ने जो टीचर थी पेशे से और शॉप में आई, एनबी शॉपी की ब्यूटी क्या थी कि एनबी शॉपी की ब्यूटी ये थी कि आप यहाँ पर सिर्फ खरीदारी करने आए थे मार्ट के अंदर, मार्ट यहाँ पे खुला नोएडा के अंदर, और आप सिर्फ खरीदारी करने आए थे, और खरीदारी करने के बाद जब बिल हुआ, बिल होने के बाद जब उनको बताया गया कि एडिशनल बेनिफिट्स क्या है एनबी शॉपी में जुड़ने से, और उनके समझ में आया तो उन्होंने तुरंत ही उसको ज्वाइन किया और उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया। और टीचर हैं पेशे से, प्राइवेट टीचर हैं, उसके बाद उन्होंने बताया कि 7 साल के अंदर मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना एनबी शॉपी में 1 साल के अंदर कमाया। और आज जिस फोन को उन्होंने परचेस किया है, अभी दिखाया उन्होंने वीवो प्रो करके एक फोन, 40 नंबर का उन्होंने एक वीवो प्रो करके ऐसा कुछ फोन परचेस किया है जो 50,000 रुपए की बर्थ का है, 50,000 की बर्थ का। इसलिए इस बात को दोबारा रिपीट किया कि जनरली लोग 10-20 हजार का फोन भी ईएमआई पे लेने की कोशिश करते हैं और आपने टोटल नगद पैसों में लिया है, टोटल कैश में लिया है। जी सर, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए और जो ऐसे और जो आ रहे हैं सभी ड्रीमर्स इस एनबी शॉपी के अंदर, जितने भी फाइटर्स यहाँ बैठे हैं सब ड्रीमर्स हैं, इनके लिए आपके 2 शब्द हो जाएं जिससे कि आने वाले समय में इनको आसान हो जाए अपनी मंजिल को पाना और ये सब रॉकेट की तरह वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रैंकिंग में बैठे, वहां पर जाकर अपना इतिहास रचे। जी धन्यवाद, थैंक यू। मेरे ख्याल से विनीता जी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन सुनी है और मैंने विनीता जी को भी सुना है और मैं बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं और ऐसे कई उपलब्धियां उनके और उनकी टीम में आने वाली है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, थैंक यू। ओके दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और 90 डिग्री के एंगल में बैठिए, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में बैठिए, क्योंकि जितनी कमर झुकी रहेगी उतना जीवन झुका रहेगा, और जितना आप स्ट्रेट रहेंगे, आई कांटेक्ट मुझसे मेंटेन करेंगे, उतना आपको लगेगा हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं, लाइव आपसे बात कर रहे हैं। अब मामला फिजिकल से डिजिटल हो गया है, फिजिकल भी हम मिलेंगे और डिजिटल भी मिलेंगे, और डिजिटल में बात कैसे की जाए और फिजिकल में बात कैसे की जाए, ये दोनों ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। आज है अहमद साहब, मैं बीच में आपसे भी गुफ्तगू करता रहूंगा, अपनी बात रखूंगा। आज हमें कंपटीशन हमने रखी है कि जिनका भी बैकग्राउंड अच्छा होगा कैमरे पे, जिनका भी बैकग्राउंड अच्छा होगा और जिनका चेहरा फ्रेश होगा और जिन जो ज्यादा मुस्कुराते हुए दिखेंगे, उनको हम अपनी तरफ से हम आने वाली पुस्तक गिफ्ट करेंगे। क्या बात है, सुपर, है? सुपर। हम उनको अपनी एक पुस्तक गिफ्ट करेंगे। तो आप ध्यान दें कि किन किन का बैकग्राउंड अच्छा है, किन किन का चेहरा अच्छा खिल रहा है, और उनकी फोटो को स्क्रीनशॉट लेके रखें, वो हम ग्रुप में 3 विनर को हम चूज करेंगे। ये हमने नई कंपटीशन आज से ऐड की है, 3 विनर को हम चूज करें, ठीक है? तो जो भी मैनेज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे निवेदन करें। रोहित सर फोकस करें, रोहित सर आप होस्ट हैं और इस चीज को फोकस करें, सभी के वीडियो जो जिसके ऑन रहेंगे उनको देखने का है, सभी के वीडियो, बुक्स मिलने वाली है आप सबको, सोच लो जी। बिमल सर, बिमल सर रायपुर छत्तीसगढ़, न्यू कार फंड अचीवर,
विमल सर, क्या बात, सभी लोग फोकस बात? करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या बात, कैमरे बेस ऑन रहेंगे। यो ओके, तो इसी बात पर मैं आगे चलता हूं और तीन कहानियों से अपनी बात शुरू करता हूं। बैक टू बैक तीन कहानी आएंगी, ध्यान से पकड़िएगा, और फिर हम अहमद साहब आपसे भी बातचीत करेंगे और एक किसी व्यक्ति को चुनेंगे जिनसे हम पूछेंगे इन तीन कहानियों से उन्होंने क्या समझा, और उनको भी हम यू नो कुछ सम्मान देंगे, उनको भी हम अवार्ड देंगे कुछ, ठीक है? ऑल राइट, कहानी नंबर वन, एक कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ पड़ा हुआ है, उसमें एक बांसुरी भी पड़ी हुई है जिसकी कीमत लिखी हुई है 5 रुपए। और तभी हरि प्रसाद चौरसिया साहब वहां से गुजरते हैं और बांसुरी को बजाते हैं, बढ़िया से बांसुरी को बजाते हैं। तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लगती है और लोग कहते हैं मुझे ये बांसुरी चाहिए, मुझे ये बांसुरी चाहिए, मुझे ये बांसुरी चाहिए, और फिर वापस उस कबाड़ वाले को बांसुरी दे देते हैं। कबाड़ वाले ने उस 5 रुपए के आगे 3 जीरो और बैठा दी। नमस्कार, कबाड़ वाले ने उस 5 रुपए के आगे 3 जीरो और बैठा दिया, यानी बांसुरी की कीमत अब कितनी हो गई, 5,000 रुपए। पहली कहानी ये, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्या घटा थोड़ी देर में कि बांसुरी की कीमत 5 रुपए से 5,000 हो गई, इसको समझिएगा, मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी कहानी, एक बहुत बड़ा हाथी एक पतली चेन से बंधा हुआ है और अगर वो थोड़ा भी हिलेगा तो चेन तोड़ देगा। मैंने हाथी के महावत से कहा, यार तुमने इतनी पतली चेन बांध रखी है तो तोड़ के चला जाए। उसने कहा, भाई साहब आप इंसान के ट्रेनर हैं, हम हाथी के ट्रेनर। मैंने कहा, बढ़िया बोला यार तुमने, मजा आ गया, ये कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैंने बचपन से ये चेन इसके आसपास बांध रखी है और इसका शरीर बड़ा हो गया है लेकिन मन में अभी भी वो चेन बंधी हुई है। कहानी नंबर दो, आगे नहीं बताऊंगा, इससे आप क्या समझे, कहानी नंबर दो। कहानी नंबर तीन, एक शीशे के बक्से में पानी भर के रखा हुआ है और उसके बीच में एक सेपरेटर लगाया हुआ है, पानी है बीच में सेपरेटर है और एक तरफ पिराना मछली है। पिराना मछली गूगल करोगे छोटी छोटी होती हैं और मिनटों में बड़े जानवर को खा जाती है, और एक तरफ बड़ी मछली है। पिराना मछली जाती है शीशे में हिट करती है, शीशे में हिट करती है, करते 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 उसको लगता है मैं शीशा तोड़ नहीं पाऊंगा। अगले दिन हम क्या करते हैं, सारी मछलियों को निकाल देते हैं पिराना को और शीशे की जो दीवार है उसको हटा देते हैं और फिर वापस पिराना मछली को डालते हैं। अब याद रखें, दीवार नहीं है, यानी अगर वो जाए तो उस मछली को खा जाएगी, बट आज भी पिराना मछली उस तरफ नहीं जाती है, उसको लगता है आज भी दीवार मौजूद है। ऐसा वो क्यों सोचती है, कहानी नंबर तीन। तीन कहानियां मैंने आपको बताई, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो संक्षेप में बताना चाहेंगे इस कहानी से आप क्या समझे, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट हैंडल करें जो भी सर को रिप्लाई देना चाहते हैं, ये मौका है माय डियर फ्रेंड। क्या बात है, बहुत सारे हैंडल हो चुके हैं सर। क्या बात है, क्या बात है जी। उष्मा जी, मैं चाहूंगा कि रेखा कुकरेजा जी और उष्मा जी आप दोनों अपने अपने, दोनों के पास 1-1 मिनट का समय है, समय की शुरुआत होती है। जी सर नमस्ते, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ और शायद वो बात यहाँ बहुत अच्छे से फिट हो रही है कि सोच जो होती है इंसान को बना देती है या बिगाड़ देती है। तो ये एक सोच थी कि उसकी एक उसने कोशिश की लेकिन एक टाइम पे गिव अप कर दिया उसने, मतलब एक लास्ट कोशिश अगर वो करता जो भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है तो वो शायद लास्ट कोशिश उसको सक्सेस की तरफ ले जाता, लेकिन क्योंकि वो गिव अप कर चुका था इसलिए वो उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाया जिसके लिए कोशिश चल रही थी। तो जो सारी जो ब्लॉकेजेस होती है यहाँ हमारे माइंड में होती है, हमारी सोच में होती है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कीप ट्राई तो यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग समवेयर, बट सही टाइम पे सही वक्त के ऊपर ही आपको वो चीज मिल रही होती है, तो यू हैव टू जस्ट कीप ट्राइंग, मतलब दिस इज व्हाट आई विल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है, वेरी गुड, विल कम बैक टू यू, थैंक यू जी। नमस्कार, जबरदस्त जबरदस्त उष्मा मैम, आगे चलते हैं, अभी अभी हमारी लेटेस्ट न्यूली ताजा ताजा सिल्वर स्टार बनी है उष्मा जी, तो थैंक यू जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आगे चलते हैं रेखा कुकरेजा मैम, डबल डायमंड, थैंक यू सो मच सर, कंपनी के डबल डायमंड, वेलकम है मैम। थैंक यू
सो मच सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग राजेश शर्मा सर जो मेरे गुरु के भी महागुरु हैं। सर जी एक मिनट का टाइम दिया, एक मिनट लूंगी इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि आपने जो भी कहानी सुनाई तीनों में सिर्फ एक ही चीज की वो मिलती है लास्ट में, क्योंकि हाँ। क्या है कि माइंड सेट हो गया कि अब मैं इस दीवार को तोड़ नहीं सकते या इस चैन को तोड़ नहीं सकते, मतलब जो भी था तीनों हाँ। का एक ही वो था कि माइंड में सेट हो गया कि अब इसको तोड़ ही नहीं सकते। जो कहते हैं ना कि माइंड में सेट हो जाते तो इसको सोच वही की वही दब गई, रुक गई। Yes. उसने आगे कोशिश ही नहीं करी, जबकि yes. कहते कोशिश करते तो शायद हो जाता। तो ये माइंड सारा माइंड सेट का ही खेल है सर जी। ब्यूटीफुल रेखा जी। जी अहमद साहब हम मैं वापस आता हूँ। जी सर कंटिन्यू। आप दोनों ने अच्छा बोला और बहुत से लोगों को हम मौका देना चाहते हैं, बट चूंकि हम आपको देखा, हम आपको ये जायका देना चाह रहे हैं कि हम अपनी जूम मीटिंग को कितना इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं दोस्तों, कितना मजेदार बनाने वाले। दुनिया में जितनी भी जूम मीटिंग चल रही होंगी उनसे बिल्कुल अलग जूम मीटिंग हमारी होने वाली है और हम इसी तरह हंसते खेलते बात करते हुए डेली कैपिंग करते चले जाएंगे। डेली 10-50 हजार पर डे की टारगेट ऐसी अचीव करते चले जाएंगे, खाली आप चीजों को पकड़ते रहिए। ओके अब मैं अपना वर्जन आपको देता हूं। पहली कहानी थी बांसुरी वाली। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है, उसके अंदर क्वालिटी बढ़ती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। पहले वो बांसुरी एक कबाड़ था, लेकिन उस बांसुरी स्पेशलिस्ट के हाथ पड़ के उसने उसको निखार दिया, वो कबाड़ अब एक क्वालिटी कॉन्टेंट में बदल गया। इसी प्रकार जब आप खुद को इंप्रूव करेंगे, खुद का विकास करेंगे, पर्सनल डेवलप करेंगे, हर घंटे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। और यही कारण है कि हमने आपके लिए दुनिया का यूनिक सिस्टम इस कोर्स के माध्यम से हम आपको आज देने जा रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट अभी अहमद साहब थोड़ी देर में करेंगे। पहली कहानी। दूसरी देखिए, एलिफेंट की ताकत बढ़ गई है, शरीर बढ़ गया है, बट मन अभी भी बचपन में पड़ा हुआ है। ठीक हमारा यही हाल होता है। मैंने सुना कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को अगर अंबानी की, क्योंकि वो टीचर थे और विनीता भी टीचर थी, तो अच्छा एक जोक मैं सुनाता हूँ आपको। अंबानी साहब की मुझे दौलत मिल गई तो मैं उनसे भी अमीर आदमी बन जाऊं। तो किसी ने कहा अंबानी की दौलत मिली तो अंबानी के बराबर ही बनोगे ना, उनसे अमीर कैसे बनोगे। बोले नहीं, मैं दो ट्यूशन भी तो करूंगा। क्या बात। यानी अंबानी की दौलत मिलने के बाद दो ट्यूशन उसके नहीं छोड़ने वाले। मैं ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, अरे स्कूल खोल दो, इतना पैसा कमा रहे हो स्कूल खोल दो। तो जिस व्यक्ति ने अपनी सोच को वहीं रखा है वो बड़ा कैपिंग नहीं कर पाएगा, वो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। आपको हर रोज बड़ा अचीवमेंट करना है। क्यों? एनबी शॉपी के माध्यम से खुद को डेवलप करके आपको लोगों को एजुकेट करना है, हिंदुस्तान को नंबर वन बनाना है, देश को नंबर वन बनाना है, जिसमें आपका एनबी शॉपी का योगदान। कहानी नंबर दो। कहानी नंबर तीन, जो पिराना मछली वाली मैंने आपको बात बताई, मछली को पता ही नहीं है कि शीशे की दीवार हट चुकी है और मैं जाके दूसरी मछली को खा सकता हूं। ठीक है, मछली को यह पता ही नहीं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत सी दीवारें हैं। इन दीवारों का नाम क्या है? कंफ्यूशन। इन दीवारों का नाम क्या है? उलझन। इन दीवारों का नाम क्या है? डर। इन दीवारों का नाम क्या है? कंप्लेन। इन दीवारों का नाम क्या है? एक दूसरे की बुराई करना। ये सारे दीवारें हैं, इनको हम कहते हैं नेगेटिव इमोशंस। अगर आपके भीतर नेगेटिव इमोशंस की दीवारें हैं, आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो आज इन सभी दीवारों को तोड़ दीजिए। मन में कोई भी बात आए तो जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कीजिए। तो ये तीन कहानी तीन एरिया को दर्शाती हैं। अब मैं आपको अगले पड़ाव पे ले चलता हूँ। अहमद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। जी सर बिल्कुल। अभी जितने भी फाइटर्स हैं, आपने देखा कि सर ने जो चीज आपको बताने और समझाने की कोशिश की उसमें एक चीज साफ साफ दर्शा रही है कि आपका माइंड सेट, अगर आपका माइंड सेट क्लियर है किसी भी चीज के लिए तो कितना बड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपके लिए जीरो हो जाता है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, वैसे मेरे गुरुजी हैं, मेरे सामने हैं, तो उनके सामने मैं कुछ भी ऐसा कुछ बोलता या कहूँ तो मजा नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने अगर मौका मिले दिखाने का तो दिखा देता हूँ। एक छोटा सा सर एक ट्रिक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सबके साथ करना चाहूंगा। या शुरुआत करें। जी थैंक यू। कहते हैं कि नजरिया बदले तो नजारे बदल जाएंगे,
नजरिया बदलें तो नजारे बदल जाएंगे, बस इतनी राय को यहीं पर रखेंगे, आगे नहीं बताएंगे। और चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम जो सर ने अभी चीज कही कि मानसिकता, मानसिकता सर ये है कि आप सभी लोग अपनी उंगली को एक बार सीधा करें और अपनी उंगली को ऐसे कैसे खड़ा करें, सभी लोग जितने भी फाइटर्स हैं ऐसे खड़ा कीजिए और उसके बाद सामने आप देखिए, उंगली की तरफ देखिएगा, क्या आपको उंगली के पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है क्या, या उंगली ज्यादा क्लियर दिख रही है या पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा क्लियर दिख रहा है? उंगली ज्यादा बेहतर दिख रही है या पीछे का बैकग्राउंड? अभी हम पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, उंगली के पीछे का, उंगली ज्यादा क्लियर दिख रही है, उंगली ज्यादा दिख रही है सर। और अब पीछे जरा उंगली के पीछे देखिए, जरा अभी उंगली नजर नहीं आ रहा है सर ज्यादा, अब पीछे का दिख रहा है ना, फिर भी उंगली दिख रही है, जबकि उंगली सामने खड़ी है बट क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं तो इसका आप कोई मायना नहीं रह जाता, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे तो इतनी बड़ा पीछे का जो दायरा है वो सब आपके लिए जीरो हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम छोटी है लेकिन इसको हम बड़ा खुद बना लेते हैं क्योंकि फोकस इस पे आ जाता है। अगर फोकस इस पे नहीं होता, फोकस पीछे जो इतना बड़ा वाइट लेवल का आपके पास बैकग्राउंड था, अगर उस पे देखते तो प्रॉब्लम दिखती ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम है कि मानसिकता, माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप हर छोटी छोटी समस्याओं को, जैसे मान लीजिए कोई सर्विस में प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, डिलीवरी नहीं हुई, मान लेते कोई प्रोडक्ट लेट हो गया, मान लेते किसी पिन किसी के पास नहीं पहुंची, अपलाइन ने थोड़ा सा लेट कर दी पहुंचाने, अरे सर आपके वजह से मेरा काम खत्म हो गया, लीडर निगेटिव, कोई एक छोटी सी पॉइंट्स को लेकर आप बैठ जाते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने माइंड सेट कर लिया, छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ ली, आप प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं जबकि प्रॉब्लम चाहे तो खत्म हो सकती थी। तो माइंडसेट सर ने जो अभी आपको बताया, दिस इज द माइंडसेट माय डियर फ्रेंड, कि अगर माइंडसेट क्लियर है आपका, सोच हम बचपन से एक माइंड में डाल रखी है कि जंजीर गले में पड़ी है, अगर तो सीधी सी बात है अब सोच लिया कि हम तो बंदी के रह गए क्योंकि प्रयास बचपन में किया था, बड़े होके प्रयास किया ही नहीं, अगर करते तो वो पूरा की पूरा झाड़ उखाड़ के आप साथ ले जाते, हाथी की इतनी ताकत है कि पूरा झाड़ उखाड़ के ले जाता अगर वो चाहता हो, पिराना की इतनी ताकत है कि बार बार अगर एक ही जगह पे हिट करती, फोकस टू फोकस टू फोकस, जैसे लेजर अगर कंटिन्यू हम देखते हैं बचपन में, गुरुजी हम खेलते थे बचपन में, वो जो एक कांच का एक सूर्य मतलब कांच का एक होल रहता था जिसको सीता रहता था, जिसके ऊपर जब हम इसको फोकस करते थे सूरज से जब माचिस की तीली को, तो वो धीरे 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 अगर फोकस प्रॉपर है तो विद इन 1 मिनट के अंदर वो जल जाती थी। और ये था कि फोकस मतलब जो नहीं मुमकिन है वो भी हो सकता है। थैंक यू सर, माफी चाहूंगा कि इतना समय आपके बीच लिया, कोई बात नहीं, हम लोग हमारी ये चर्चा इसी तरह है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों, आप सबने शोले पिक्चर देखी होगी। यस, आप सबने शोले पिक्चर देखी होगी। मैं आपको शोले में एक सीन में ले चलता हूँ, जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र फाइनली लौटते हैं रामगढ़ और उनको ठाकुर का आदमी दे जाता है उनकी झोपड़ी की तरफ जिनमें उनको रहना है, और वो कहता है ये चाबी है और वो देके चला जाता है। वो चाबी खोलते हैं और उनमें ठाकुर के जो गुंडे हैं वो बाहर आते हैं और निकलने के बाद वो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को बहुत मारते हैं, फिर ये दोनों भी मिलके मारते हैं और उनको हरा देते हैं। अब जब ये हरा देते हैं तो धर्मेंद्र ठाकुर साहब से पूछते हैं, ठाकुर साहब ये आदमी, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ठाकुर साहब ये आदमी, तो ठाकुर साहब कहते हैं ये मेरे ही आदमी थे। अमिताभ बच्चन पूछते हैं फिर उन्होंने हम पे हमला क्यों किया? अब यहां सुनिएगा ध्यान से, ठाकुर साहब कहते हैं मैं देखना चाहता था तुम्हारे में वही जान है या वक्त ने तुम्हारी बाजुओं को खोखला कर दिया है। हर दिन अगर हम काम बेटर बना रहे हैं तो ठीक है, वरना वक्त ने हमारी बाजुओं को खोखला कर दिया। हर दिन अगर हम कल से बेटर बन रहे हैं तो हम ठीक है, वरना वक्त ने हमारी, आपने मुझे कल भी सुना होगा, आप मुझे आज भी सुन रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे कल का कंटेंट कल मर गया, वो खत्म हो गया, आज का कंटेंट आज। तो अगर हम वाकई इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर दिन पिछले दिन से बेटर बनाना पड़ेगा। अहमद साहब आपका रिफ्लेक्शन इस पे मिल जाए तो और अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, सभी लोग इस पे फोकस करेंगे पूरी तरीके से। जी थैंक यू सर। अब मैं आगे चलता हूँ तीसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बाजे बात दोस्तों। दुनिया की सबसे महान जो हुनर है ना वो है बोलने की कला।
बस इसको पकड़ के रखिएगा मेरी बात, दुनिया का सारा हुनर एक तरफ और आपकी जुबान, आपकी वॉइस, आपकी अदा, आपकी डिलीवरी और आपका पॉज, ये भी काम करता है। मैंने कुछ सेकंड का पॉज लिया तो आप मेरे साथ रुक गए, ये भी काम करता है। अगर ये सारी चीजें आपको हम एक कोर्स के माध्यम से सिखाएं और लाइव सिखाएं तो कैसा रहे? हाथ उठाएंगे जरा, एक्साइटमेंट में हाथ उठाएंगे, बल्ले बल्ले कुछ करेंगे आप? सुपर सुपर जबरदस्त, यस सर, यस यस, जबरदस्त जबरदस्त, कैसा रहे? जबरदस्त जबरदस्त, तो आप तैयार? शानदार सर, शानदार शानदार शानदार, आप तैयार हो जाइए, हम आपको दुनिया का बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे एनवी शॉपी में, ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आप हमारे सिस्टम को बस फॉलो करते जाइए और आप अगर हो सके तो अगर हम कहें छलांग लगा लो तो लगा देना, चिंता मत करना, हम नीचे हैं आपके लिए, हम हैं आपके लिए। हमारा 30 साल का मार्केट में क्रेडिबिलिटी का रिकॉर्ड है, एमएस साहब का 20 साल का रिकॉर्ड है, और आप जो कहते हैं ना, आप शक ना करें, हम आपको इतना बेहतरीन वक्ता बनाएंगे। मैं सबको ध्यान से सुनता हूँ, आप लोग सब जो स्पीच दे रहे थे मैं सुनता हूँ, और मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन अभी फाइन बारीकी काम करना, अहमद साहब इस बारीकी वर्ड को तो आप अच्छे से समझते होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने तो इसमें माहिर, लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, हम बाद में कभी बताएंगे उस चीज के बारे में, बाद में बताएंगे कि बारीकी शब्द क्या होता है, उस्ताद क्या होता है। हम आपको बोलने की कला में बारीकियां सिखाएंगे। हिंदुस्तान में अभी भी स्पीकिंग के माध्यम में लोग बहुत पीछे चल रहे हैं और मैं इसमें एक्सपर्ट माना जाता हूं। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग, तो तीसरी बात में ये, मैं चौथी बात करूंगा, अहमद साहब कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी सर, एक चीज और, जो हमने एक बुक्स प्लान की है, आपने एक बुक्स प्लान की है, अब तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी ये चीज, किसी ने भी अब तक पूरे वर्ल्ड में किसी ट्रेनर ने ये चीज किसी भी व्यक्ति को नहीं परोसी, जो सर ने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाई है। हम सब बहुत लकी है, मैं ट्रूली बोलता हूँ आपसे, हकीकत में सच्चाई में बोल रहा हूँ, ये मेरे को जो फील हो रहा है कि मैं बहुत सब इस चीज से, मतलब इसको क्या बोलेंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश क्यों हूँ, क्योंकि जब आपके साथ कोई गुरु मिल जाए तो रास्ता जो है वो और आसान हो जाता है। जहां हमें पहुंचना था महीने में, वो हो सकता है अगर गुरु सही दिशा दिखा दे तो उसका दशा बदल जाती है व्यक्ति की, यानी कि वो काम पल भर में हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, एक आइडिया लाइफ चेंज कर सकता है। तो गुरु जी ने यहाँ पर एक आप सभी के लिए बहुत डायनेमिक चीज बनाई है, अगर सर वहां पर है इस समय आपके पास में, जो आपने MBA एक बनाया है, अगर वो बुक्स है तो मैं चाहूंगा आप लाइव दिखाइए, नहीं तो मैं वीडियो दिखाता हूं सभी को। ओ, आप वीडियो दिखा दें, क्योंकि वो दूसरे रूम में है और मुझे फिर उठ के वहां जाना पड़ेगा। ओके आप लाइव दिखा दें, मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ, वो मैनुअल दिखा दें, वो मैनुअल। हाँ जी जी जी, आप सभी की गुड न्यूज है, हमारे साथ मेरे महागुरु जिनके वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, जिनके एजुकेशंस को मैंने ऑनलाइन के माध्यम से सीखा और वो एजुकेशन से आज मैं यहाँ तक आया। एक कंपनी जो आज की डेट में करीबन आपके सामने दिख रही है, 35 करोड़ प्लस की कंपनी हो चुकी है, और यानी कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और आपको फिजिकल ऐसी एजुकेशन देने आ रहे हैं हमारे ग्रेट गुरु राजेश सर, तो द ग्रेट पर्सनैलिटी। मैं चाहूँगा कि सर एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या देने आ रहे हैं। देखिए, धन्यवाद अहमद साहब। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया है टीम के लिए, हम सब जानते हैं LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जी, तो एक तरह का ये डायरेक्ट सेलिंग का MBA प्रोग्राम है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस डायरेक्ट सेलिंग का MBA प्रोग्राम है। MBA वर्ड का मतलब यहाँ पे मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट, मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट। और ये मैनुअल है हमने जो बनाई है, ये इतनी प्यारी मैनुअल है कि यहाँ पे एक पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक पार्ट आपको भरना है, तो हम पूरा 2 दिन आपके साथ बिताएंगे और पूरी मैनुअल को कंप्लीट करेंगे, लगभग 60 पॉइंट्स है इसके अंदर, और आपकी जिंदगी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस मैनुअल से, आउट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो जी
आप बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के एमबीए आप होल्डर बन जाएंगे, आप ट्रेडिशनल मार्केट के एमबीए होल्डर बन जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन की वो सारी समस्याओं का समाधान एक सिंगल यहाँ पर एक बुकलेट के रूप में आपको आ रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग आ रही है और फिजिकल आपको सिलेबस पीडीएफ बेहतर नहीं हो पाती, ये लाइफ टाइम रहेगी, दिस इज द ग्रेट. थैंक यू सर. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या मिलने वाला है लाइव सेशन के अंदर, गुरु जी के लाइव सेशन के अंदर क्या मिलने वाला है वो आप सर आपको बताएंगे. जी सर. राइट. जो हमारा लाइव सेशन का सिलेबस है वो बहुत एक्सटेंसिव है. आज मैं थोड़ा सा 5-6 पॉइंट रखता हूँ जो हमारी जो ये कोर्स लॉन्च हो रही है जिसमें जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. मुंबई का आपने दोस्तों लोकल रेलवे सिस्टम देखा होगा. अगर आप लोग मुंबई गए हैं तो मुंबई का लोकल रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है. 2 स्लो ट्रेन चलती हैं, 2 फास्ट ट्रेन चलती हैं, और चार्ट ट्रेन एंट्री करती है, फटाफट लोग भरते हैं, चार्ट ट्रेन चली जाती है. इतना बढ़िया नेटवर्क, अगर एक पल भी बंद हो गया तो पूरी मुंबई रुक जाती है. लेकिन आपको मैं बताऊं ये सिस्टम किसने बनाया था. ये सिस्टम अमेरिका से मैनहट्टन आइलैंड से एक सरदार जी को लाया गया. उन्होंने मुंबई की आबादी पे सर्वे किया और सर्वे करने के बाद दुनिया का यूनिक रेलवे सिस्टम बना के चले गए जो आज तक कारगर है. यानी अगर सिस्टम ठीक है तो आप कोई भी ट्रेन दौड़ा सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं. ठीक इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए 2 सिस्टम बनाए. एक जो ये मैनुअल आपने देखी है, इसमें मैक्सिमम आपको पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल. दूसरा सिस्टम जिसकी बात आज लॉन्च हो रही है वो 64 एपिसोड का ये कोर्स है, जबरदस्त कोर्स. 64 एपिसोड का कोर्स है और एक एक एपिसोड को आप 3-4 बार देखेंगे. और इसका बेनिफिट क्या होगा, इसमें जो कॉन्टेंट है वो आपकी ग्रूमिंग तो करेंगे मगर आपको बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए जो कंटेंट चाहिए उसकी तैयारी करें. 5-6 चीजें मैं आपको बताऊं अगर आपको एक बेहतरीन लीडर बनना है तो 5-6 चीजें मैं आपको बताऊं. पहली चीज यह है कि आपका वाई फैक्टर जरूर क्लियर होना चाहिए जो आप इस 64 एपिसोड में आप सीखेंगे. दूसरी चीज है कि जिसके जीवन में 0 कंप्लेन है वही लीडर बनता है. तीसरी चीज है, मैं आपको 64 का 64 बताना पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी बात बता रहा हूं. हम लोग गोल सेटिंग की बात करते हैं लेकिन गोल को पर डे पर आवर में कैसे ब्रेक किया जाए आप इसमें सीखेंगे. हर लीडर की एक ख्वाहिश होती है कि वो ये कहे, जो रिक्रूट, मान लीजिए मैंने आपको रिक्रूट किया है तो मेरी एक ख्वाहिश होगी कि मैं कहूं आपसे यार मैंने तुमको रिक्रूट कर कोई गलती नहीं की. तो कैसे एक बेहतरीन लीडर बने आप इसमें सीखेंगे. राइट. और आपकी एक ख्वाहिश होगी कि आपके अपलाइन को आप बोलें कि भाई इससे बढ़िया अपलाइन मुझे मिल नहीं सकता है. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कहा था कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा. ठीक है. और एक शेर है कि दुख दरिद्र आपदा सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे वो. अगर आपके पास ज्ञान का भंडार नहीं है तो आप तीर नहीं चला सकते, आप तर्क नहीं कर सकते, आप जवाब नहीं दे सकते. ये 64 के 64 एपिसोड जिसमें 21 तो वीडियो हैं, बाकी ऑडियो हैं, आपकी जिंदगी में आपको धार देंगे, धार, ताकि आप जहां जाएं काट सके, जहां जाएं काट सके. आगे की बात मैं एमएस साहब पे छोड़ता हूँ. थैंक यू. जी थैंक यू सर. अभी आपने यहाँ पर सर को देखा और एक मैनुअल सर को हाथ में देखी आपने. आज तक की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में बुक्स के ऊपर एक बुक्स बनाई गई हो, उसमें एक आंसर शीट बनाई गई हो, एक क्वेश्चन आंसर शीट बनाई गई हो, अभी तक मैंने तो अपने कैरियर में नहीं देखा. बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये वाली मैनुअल दिखने वाली है सर का. यूनिवर्सिटी के अंदर सलोनी यूनिवर्सिटी में सर, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैंने वहां पर आपको उनको मेल किया है कि ये जो सिलेबस है कुछ इस टाइप से. आप क्या बात, क्या हमारे बात? एक गुरु हैं जिन्होंने ये बनाया है, इसको आप अपने सिलेबस में एड ऑन करें और मैनुअल को देखें. तो वहां से सर जो मेल अप्रूवल्स में आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आप सभी को कि
सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रोफेसर हमारे गुरु वहां पर दिखेंगे और बहुत मजा आने वाला है उस चीज में, देखने वाले भी देखेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि क्वालिटीज कहते हैं कि जब कुछ अलग करेंगे तभी कुछ अलग दिखेंगे। और यहाँ गुरु जी ने अभी आप लोगों के सामने जो चीजें शेयर की हैं, जो मैनुअल बनाई वो अल्टीमेट है, मैंने खुद देखी है अपने आंखों से, सर ने मेरे को दिखाई थी वो अभी जो आपके सामने देख रहे थे, उस मैनुअल में बहुत कुछ खजाना लाकर आपके लिए रख दिया है सर ने। अगर आप प्रैक्टिकल वाकई 5 डे 5 आवर्स में अगर आपने वाकई ही उसको अटेम्प्ट कर लिया, मैं ये इतना कह सकता हूँ श्योरली कि आप वर्ल्ड के टॉप लीडर बन जाए। और उस रैंकिंग में जहां आप जो सपना देख रहे हैं ना, पिछले 20 साल से 10 साल से अगर आप पुराने लीडर्स हैं और अपना सपना देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा सीखने का वक्त आ गया है और सिखाने का वक्त आ गया है। अब करने का नहीं, सीखने और सिखाने का वक्त आ गया है। चलिए जब सीखेंगे सिखाएंगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान होता है लोग उसको ढूंढ के लेकर आते हैं। और पैसा पीछे चल के आता है, फिर मुंह मांगा आता है, फिर पैसा मुंह मांगा आता है। सर ने जो आप सबके लिए अभी तैयार किया है ये अल्टीमेट कोर्स है। अल्टीमेट क्यों? क्योंकि आपको एक बच्चे की तरह सिखाया जाएगा कि भैया ये बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, आपने ज्वाइन किया क्यों किया, आपका वाई क्लियर हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ। वहां पर वो कहता पहले सवाल है, सवाल के बाद फिर आंसर है, और वो आंसर आप लिखेंगे। जब आप आंसर लिखेंगे, सोच के देखिए, आप स्कूल में अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे आपके पास क्वेश्चन आंसर के जवाब रहे होंगे, क्योंकि उनको आपने हाई स्कूल 12th में रट्टा मारा है दवा के, तब जाकर आप उन पर अच्छे नंबर्स अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। तो अगर वो रट्टा मार यहां पर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि यू आर द ट्रेनर, यू आर द स्पीकर। आने वाले समय के आप वो स्पीकर, वो ट्रेनर बनने वाले हैं कि आपको वही चीजें बार बार रिपीट करनी है। आने वाली जो पीढ़ी है, हर साल में कुछ नई पीढ़ी लॉन्च हो रही है, लॉन्च हो रही है, समझ रहे ना बात को। 18 साल के बाद हर साल कुछ नए लोग, नए बच्चों के आधार बन रहे, इट मीन्स लॉन्च हो रही है हमारे लिए। हमारे लिए एवरी ईयर नई पीढ़ी लॉन्च हो रही है, नई यानी कि अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन बहुत फास्ट है, बस हमारा ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैकेनिज्म बढ़िया नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो प्रोडक्शन बहुत फास्ट है, पता था, बता दिया है कि वर्ल्ड के हम टॉपेस्ट प्रोडक्शन बन गए आज की डेट में पॉपुलेशन में। तो आज की डेट में हम दवा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बात को समझने की जरूरत है कि आपको नेटवर्क की कमी नहीं है, आपके करने की कमी है, आपके करने की कमी है। तो सर ने यहाँ पर वो सब चीजें इतनी आसान तरीके से आपको दे दी है। वाव, अल्टीमेट, अल्टीमेट है, अल्टीमेट। अगर आपने रियली ट्रूली इस कोर्स में अगर उस चीज दिखा दी और ढंग से देखिए, अगर आप अपने जीवन को वाकई बदलना चाहते हैं तो आप खुद करेंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अल्टीमेट चीज है, अभी सर से आप खुद रूबरू हो रहे, समझ में आ रहा है जब फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो पेड़ में क्या होगा। जब फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो पेड़ में क्या होगा। यू आर द लकी, मैं कहूंगा आप सभी लकी हैं, क्योंकि आपको गुरुजी का वो ज्ञान मिल रहा है जो लोग पहले 50,000 पे देते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। 7 लाख रुपए 3 घंटे की फी है सर की अभी, और ये बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है सर की, बहुत जल्दी अपग्रेड होने जा रही है, 12 लाख रुपए होने जा रही है। तो जिसको सीखना होगा वो पैसा पे करता है। सर को आज की डेट में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियों ने पैसा दिया है, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों ने, बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक ने सर के इस ज्ञान को लिया है और अपने एम्प्लॉयज को ग्रो किया है, उनकी ग्रूमिंग कराई है। तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ में कि यहाँ पर सर ने मुझे बार बार बोला कि अहमद प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करनी है, क्योंकि मैं कोई सेल करने नहीं आ रहा, मैं ज्ञान देने आ रहा हूँ। ये सर ने मेरे को बार बार बोला, लेकिन मुझे मुझे रुका नहीं जा रहा सर, क्योंकि प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा, प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है कि मेरे हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सब मुझसे बेस्ट होने चाहिए। आपकी एक चीज को मैंने नोट कर लिया है और वो मैं अब लिख के डाल दिया है मैंने गुरु जी, जिस दिन से अभी आपने बोला कि मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे हीरो बनाना है। और बनाना है। जी मैंने डन कर लिया है कि अब मुझे हीरो नहीं बनना है, जितने यहाँ बैठे हैं सबको हीरो बनाना है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रैंकिंग में लेके जाना। अहमद जी मैं बीच में माफ करें मुझे, और मैं बताता हूँ जो भी अचीवर होंगे उनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे और इनको हम दुनिया के हीरो बनाएंगे, हम दुनिया के किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे, इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, इनको हम सेलिब्रिटी बनाएंगे, इनको सेलिब्रिटी बनाएंगे। सुपर सर, सुपर, आज तक ये नहीं हुआ, आज तक ये नहीं हुआ है। सुपर सर, डबल डबल धमाका, एक के साथ बोनस भी मिला, क्या बात है।
तो चलिए थैंक यू हल्दी जी। इसी दौरान में अभी हमने बातचीत शुरू ही की है, और भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जी। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा एक बार दर्शन कराएं सबको, उस हम कोर्स के तरफ लेके चलते हैं जी। आप कराएं जी सर, कराएं। थैंक यू सर। तो एक बार जोरदार तालियां यहां पर आप सभी की होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आपके सामने आने जा रहा है माय डियर फ्रेंड, हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा चैलेंज और चेंज आने वाला है। वो क्या है? वो है ये माय डियर फ्रेंड, लाइफ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। बहुत शानदार सर, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार शानदार सर, शानदार। मजा आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं लाइफ एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। सर ने अभी उसकी कुछ झलकियां आपको बताई कि क्या उसके अंदर मिलने वाला है आपको। 65 यहां पर कंटिन्यू एपिसोड है, यानी कि 65 डे। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स की वैल्यू 9000 प्लस की है सर की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप मार्केट में ओपन जाएंगे तो इसी रेट में जाएंगे, बट एनवी शॉपी का हॉट प्राइस है आप लोगों के लिए 4500 रुपए। माई डियर फ्रेंड 4500 रुपए सर ने ये आप लोगों के लिए डिस्काउंट दिया है 4500 रुपए। अगर इसको हम डे वाइज काउंट करें, अगर हम इसको डे वाइज काउंट करें कि आपको पर डे का इसका क्या चार्ज पड़ रहा है, अगर आप कॉस्ट देखते हैं कि स्कूल में जाते हैं पढ़ने जाते हैं जब वहां फी देते हैं पूरे महीने की, उसके हिसाब से अगर आप यहाँ देखते हैं तो 4500 आप इसको भाग कर लीजिए, डिवाइडेड बाय कितने रुपए जा रहा है आपका, यहाँ पर 65 है, 65 तो डिवाइडेड बाय हम जाएंगे 69, यानी कि 70 रुपए के आसपास का करीबन पर डे का आपका ये डोज है, मात्र 70 रुपए डोज अगर एक वीडियो आप इसे यूज करते हैं। और ये कंटेंट पेड है 101%, इसलिए किसी को फ्री में नहीं मिल पाएगा। तो जिसको आईडी मिलेगी वो उसकी ही आईडी रहेगी और उसी आईपी एड्रेस पे ही ओपन होगी, जिस आईडी आपने जिस आईपी एड्रेस पे ओपन किया है वन टाइम। तो माय डियर फ्रेंड, इस कोर्स की वैल्यू क्या है आप समझ सकते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने साथ कितने लोगों की लाइफ को बदला, आप यहाँ कुछ देख सकते हैं, कुछ सर के बारे में यहाँ डिटेल्स है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, एक्सिस बैंक जैसे बड़ी बैंक, LIC, गोदरेज, रिलायंस, केनरा बैंक, ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एयर इंडिया, दैनिक जागरण, आपका म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, आप बात करते हैं इंडियन रेलवे, ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं को और उनके लोगों को यहाँ पर आपने मार्गदर्शन दिया है, उनको यहाँ पर दिशा दिखाई है कैसे ग्रूमिंग करें, कैसे वो बड़े बने, कैसे अपने काम को अपने डेडिकेशन के साथ करें और एक संस्था को एक संस्था बनाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबके लिए इसके साथ साथ आपको यहाँ कुछ और भी मिलने वाला है। इतने ही अमाउंट का रिचार्ज में कैशबैक, इतने ही अमाउंट का आपको यहाँ पे मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड कैशबैक के साथ साथ यहाँ पर कैशबैक पूरा 4500 रुपए डिस्काउंट वॉलेट, यानी के बोनस पे बोनस, आपको एक काम तीन जगह बोनस हिट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट मिला साथ में। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा सर खुद बताएं 5 डे 5 आवर जो आपको मिलने वाला है वो भी माय डियर फ्रेंड किसी बढ़िया जबरदस्त लोकेशन में। जी हाँ, किसी बढ़िया जबरदस्त लोकेशन में, किसी अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर आपको लाइव सेशन मिलेगा 5 आवर्स का सर का, कि आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग और बेहतर और लीडर कैसे बनना है, स्पीकर बनना है, तो ये सब कुछ मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। जी सर, सबसे पहले सॉरी आप कंटिन्यू करें, मैं फिर बताता हूँ जी। साथ में बोनस के रूप में मिलते हैं 5000 यहाँ पर पीवी कोर्स लेंगे आप सर की वेबसाइट से, और वहां पर फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है एनबी शॉपी में, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 5000 पॉइंट वॉल्यूम जिस पे मैचिंग आती है 500 रुपीज एक बार, यानी के अगर आपने यहाँ सिर्फ 10 मात्र 10 लोगों को डेली अप्रोच कर दिया तो कैपिंग हिट हो जाती है। वाओ,
अर्निंग के साथ साथ लर्निंग, सुपर, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात जी सर जी। सबसे पहले मैं वो 5 day 5 hours पे बात कर लूं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको राइट मैं बहुत संक्षेप में एक ब्रीफिंग देना चाहूंगा दोस्तों आपको। ये कोर्स के साथ साथ 5 day 5 hours का हम एक ट्रेनिंग देंगे, स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, उसकी डेट आपको बताई जाएगी, और उसमें मैं बहुत स्पेसिफिकली 7-8 पॉइंट कवर करूंगा। एक तो अमीरी का विज्ञान क्या है मैं कवर करूंगा, दूसरा क्लैरिटी, जीवन में स्पष्टता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के 3 P's आपने सुने होंगे ना, 3 P's अहमद साहब फेमस है ना, जी 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 बिल्कुल, क्या है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, बट मैं 4 P बताऊंगा, क्या बात है, मैं 4 P बताऊंगा, और वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। लोग उसी पे काम नहीं करते हैं, बाकी सब पे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये बिजनेस का सबसे बड़ा एक साइंस है, आप पूरे दिन मेहनत करेंगे और कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन मिल सकती है, लेकिन रात को सोते समय ऐसा क्या सोचें कि कल नई ऊर्जा के साथ आप उठें, उसको बोलते हैं डेली इंस्पिरेशन का कैप्सूल कैसे दिया जाए। जब आप किसी को फोन करें तो क्या बोलना है, इनवाइट करें तो क्या बोलना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा 5 hours, ये 5 hours का ये पूरा वर्कशॉप है आपका, ठीक है। यूजर को बिजनेस पार्टनर में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। 7 goals को 52 सप्ताह में कैसे अचीव करें, वो आपको बताया जाएगा, और 5 चीजें आपको कौन सी अवॉइड करनी है वो आपको बताया जाएगा। जूम मीटिंग में कितने मिनट, कितने लोग, बैकग्राउंड, ये सारी साइंस आपको बताई जाएगी। और खरगोश सारे टैलेंट के बावजूद भी हार गया और कछुआ बिना टैलेंट के जीत गया, ये कैसे, ये आपको बताया जाएगा। इस कोर्स के साथ साथ वो आपको एडिशनल मिलने वाला है। जी अहमद साहब जी, थैंक यू सर, इतना सारा बोनस, इतना सारे गिफ्ट देने के लिए एनबी शॉपी परिवार को, आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऋणी हूं मैं आपका इस बात का कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और साथ साथ अपना जो आपका बहुमूल्य ज्ञान है वो आप सबको, हम सबको दे रहे हैं, और ये ज्ञान की गंगा में बस सभी लोग, मैं ये कहूंगा, पूरी तरीके से उतर जाएं और तैरें, एंजॉय करें और इस ज्ञान की गंगा से अपनी लाइफ को यहाँ पे सराबोर कर लें और खुद एक बेहतरीन ट्रेनर के रूप में आपके जैसा यहाँ पर उस सीट पे बैठे, मजा आने वाला है आप सभी को। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, और अभी आपने यहाँ पे गुरु जी को सुनाते हैं बार जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर गुरु जी के, मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, सभी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरी एनर्जी के साथ धमाकेदार तरीके से परफॉर्मिंग के होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप बैठे हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, और हमारे साथ राजेश सर अभी हैं, और मैं थैंक्स कहूंगा आप सभी को, आप सबको बहुत नीड थी सर की यहाँ पर, क्योंकि मैं कई दिन से फील कर रहा था कि आप सबको बहुत नीड है सर की यहाँ पर, इसलिए हम सर को आपके साथ लेकर आए। कोई भी कीमत चुकानी पड़े मार्केट में आपको आगे लेकर जाना है। मजे की बात है, मेरे गुरु ने मुझे कह दिया है, फ्री हैंड कर दिया है, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिसंबर तक मैं तेरे साथ हूँ, बिंदास आजा, बिंदास होकर अपनी टीम को लेकर आ, चल जीतते हैं मार्केट में और इतिहास बनाते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, मैं जितना आपसे धन्यवाद करूं उतना कम, और बहुत शुक्रिया आपका ये मार्गदर्शन, मुझे उम्मीद है कि एनबी शॉपी को वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनाएगा, और ये जितने लीडर्स यहाँ बैठे हैं ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर बनेंगे आपकी दृष्टि, आपकी छाया में, और आपके इस गुरु जो ज्ञान है हमारा, इन सबको मिलेगा, ये सब अपने आप में इतिहास रचेंगे आने वाले समय में। जाने से पहले अहमद साहब अगर आप इजाजत दें दो लाइन बस मैं कहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कैसी बात करें, बिल्कुल सर, कंटिन्यू। एक कहानी से मैं अपना वर्जन खत्म करूंगा, फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा, बस एक कहानी से जी।
दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, रात भर इस पर विचार कीजिएगा। एक शिकारी था जिसको शिकार का शौक था और वो कुछ चिड़ियों का शिकार करके ले आया, पकड़ के ले आया, मारा नहीं और उनको पिंजड़े में रख दिया। मगर वो चिड़ियों की भाषा भी जानता था, तो अगले दिन जब वो शिकार पे जाने लगा तो उन्होंने चिड़ियों से पूछा, भाई मैं तुम्हारे मोहल्ले में जा रहा हूं, कोई मैसेज हो तो बताओ। तो चिड़ियों ने कहा, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही बताओगे तब हम बताएंगे। बोले हाँ ये वादा है, जैसा तुम बताओगे हम वैसे ही बताएंगे। तो चिड़ियों ने कहा, अच्छा तुम ऐसे बताना, थोड़ी गर्दन झुकाते हुए, थोड़ा चेहरा झुकाते हुए बताना, जब हमारे दोस्त यार पूछे कि भाई हम कैसे, इनसे बताना बस ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक। उसने कहा, गर्दन क्यों झुकानी है? बोले बस तुम जाके बता दो। वो गया उनके मोहल्ले में, पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया थी, उनसे कहा, भाई तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में है और उन्होंने कहा है कि वो ठीक ठाक गर्दन झुका के। जैसे ही सारी चिड़ियों ने ये सुना, वो सारी चिड़ियां पेड़ से नीचे गिर गईं और ऐसा लगा वहीं मर गई, सब एक साथ गिरी। और ये घबरा के इनके पास आया और वो इंतजार कर रही थी, और वो चिड़िया पूछती है, हमारे दोस्तों ने क्या कहा? उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो तो बस गिर गई और लगा मर गई है। जैसे ही इन्होंने सुना, ये भी पिंजड़े के अंदर मर गई और इसने पिंजड़े से सारी चिड़ियों को बाहर निकाला और वो सब उड़ गई, वो सब उड़ गई, वो सब उड़ गई। दोस्तों अब शिकारी सुपर कंफ्यूज, अब शिकारी कंफ्यूज, वो पूछता है, मुझे समझ में नहीं आया। चिड़िया कहती, तुम्हें हमारी लैंग्वेज पता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं पता है। शाबाश, गजब सर, गजब। तुम्हें हमारी लैंग्वेज पता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं पता है। जब मैंने कहा था गर्दन झुका के बोलना, तो मैंने उनसे रास्ता मांगा था कि बताओ कैसे बाहर निकलना, और उन्होंने रास्ता दिया कि अगर तुम्हें जिंदा होना है तो मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, और तुमने मुझे उनका मैसेज पहुंचा दिया, हमने मरने की एक्टिंग की और मुक्त। दोस्तों आपको अगर आज नया जन्म लेना है तो पुराने को मारना पड़े, और ये कोर्स और ये प्लेटफॉर्म आपको नया जन्म देगा, बस मैं यही कहूंगा आपको। फिर मैं अहमद जी को देता हूँ, बहुत शुक्रिया। जय थैंक यू सर, एनवी थैंक यू सर, सर, थैंक यू, थैंक यू सर, जय आपका एनवी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से पूरे एनपी शॉपी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो बहुमूल्य समय हमने लिया, जो गोल्डन प्रीसेस समय हमने आप लोग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सर, लकी हैं, धन्य हैं कि आप जैसे गुरु हमें मिले, और अब उम्मीद है कि मंजिल दूर नहीं, बस वक्त लग रहा था, क्योंकि साथ आपका नहीं था, लेकिन अब साथ मिल गया है, तो इतिहास रचने में अब कोई देरी नहीं। चलिए मिलकर इतिहास रचते हैं साथियों, धन्यवाद। और धमाकेदार तरीके से परफॉर्मिंग करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ थे हमारे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट गुरु, यानी के जिनको जिनको मैंने यहाँ पर सुनकर और ये सब कुछ सीखा, और आप अब उनके साथ आप भी आ रहे हैं। तो और भी दो प्रोडक्ट हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं आज सर के साथ में, यहाँ पर दो प्रोडक्ट और हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है आपका, वो है ये, तो थोड़ा सा इस वीडियो को मैं चलाना चाहूंगा उस प्रोडक्ट के साथ में, उससे पहले। हाँ अगर बालू जी यहाँ पर हैं तो मैं चाहूंगा हैंडल्स करें सर, फ्रॉम कर्नाटका, और साथ में अगर हमारी यहाँ पर टीचर हैं तो मैं चाहूंगा आप भी हैंड रेस करें एक बार। एक बार फिर से, और मैं चाहूंगा जो लोग मिस कर गए फिर से देखें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, वो देखें।
तो अभी आपने जो देखा यहाँ पर द ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर अहमदुल अंसारी जी, गोल्ड स्टार अहमदुल अंसारी जी की टीम से आप हैं, निर्मला बहन जी और साथ में बालू सर जो इससे पहले कितनी प्रीवियस कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर अचीवर रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं, ऐसी पर्सनैलिटी आपके सामने यहाँ पर आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम सबकी जरूरत है, हम सबकी नीड है। कहते हैं स्वास्थ्य अगर हमारा सही हो तो जीवन सुखी हो जाता है, अगर स्वास्थ्य में कमी हो तो जीवन दुखी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके स्वास्थ्य में हम इनर और आउटर दोनों तरफ से पूरा फोकस करवा रहे हैं। इनर मतलब कि आप जो अपने यहाँ फूड सप्लीमेंट है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके फिजिकल बॉडी भी आपकी मूव करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो शॉपकीपर होते हैं उनके बड़े पेट निकल आते हैं, लेकिन मेरी तरफ ऐसा होता है ना, क्यों हो जाते हैं? रीजन, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते और यही वो कारण होता है कि जिसकी वजह से पूरा बॉडी शेप बेकार हो जाता है। आप देखने में बहुत खूबसूरत थे, अल्टीमेट थे, गजब थे, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, सब कुछ है आप, यू नो, मेल फीमेल सभी तरीके से बात करते हैं, बट जब पेट निकल आता है तो पूरा खेल खराब हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपको फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए अर्ली मॉर्निंग डेली आ रहे हैं कोई ऐसी पर्सनैलिटी। हम हफ्ते में 3 क्लासेस उसकी देंगे आप सभी को और इसका पूरा एक सब्जेक्टेड कोर्स है, साथ में और भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर सर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आए और एक बार आकर सर गुड इवनिंग नमस्ते कोर्स के बारे में बताएं। जी सर नमस्कार। सर गुड इवनिंग समस्ते, मेरा आवाज सुनाई दे रहा ना सर? बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर है आपकी, कंटिन्यू। यस सर, यहाँ पर जो हम आपने बहुत अच्छे तरीके से योगा और प्राणायाम के बारे में बताया जो आजकल ये भागदौड़ की जिंदगी में हमें बहुत जरूरी है, जैसे हम इंटरनल डेफिशिएंसी को हम न्यूट्रिशन के द्वारा फुलफिल करते हैं, जो माइंड का डेफिशिएंसी होती है, जो बॉडी का जो फिजिकल फिटनेस का डेफिशिएंसी होती है, तो इसको हम फुलफिल करने में हमें जरूरत होती है, जैसे कि प्राणायाम हो, योगा हो और जो इसके जो मेडिटेशन हो, जो योगा के 8 स्तंभ आते हैं वो 8 स्तंभ के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जाता है और उनको एक परफेक्ट योग उनको सीखने को मिलेगा। जो बिलाल हमने जो बेसिक तौर पे हमने ये प्लान किया था, साथ ही साथ हम इसमें कुछ एडवांस चीजें भी हम उनको सिखाएंगे। तो इसमें जो प्राणायाम बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो आजकल जो हमारा जो हार्ट का और हमारा जो लंग्स का कैपेसिटी बनाने हो और हमारा जो मानसिक संतुलन को संतुलित रखने के लिए, और जो आसना योगा जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारा माइंड को और बॉडी को बिना कोई स्ट्रेस देते हुए एक संतुलित एक्सरसाइज होता है। तो ये चीजें हम सारे उनको सिखाएंगे, साथ ही साथ उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है और बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये आजकल कई लोगों को पता ही नहीं है, हमारे जो हाथ होते हैं, जो हाथ में ही हम कैसे हमारा जो कुछ डिसीजेस को इंटर जो बॉडी पेन को, जैसे कि माइग्रेन हो, हेडेक हो, डाइजेशन प्रॉब्लम हो, कोई भी इंस्टेंट रिलीफ कैसे हम दे सकते हैं, ये चारे सारा चीज हम उनको 2 मंथ के कोर्स में हम सिखाने जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की हाईली डिमांड पर इसके साथ साथ हम एक और चीज लेकर आए हैं और वो है आप सभी के साथ में माय डियर फ्रेंड डाइटिशियन मीनाक्षी यादव जी, जो आपकी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक डाइट कोर्स भी बनाया है। जी हाँ, डाइट कोर्स पूरा प्रॉपर तरीके का, और वो कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं हम यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके मीनाक्षी यादव जी ने यहाँ पर इस पूरे कोर्स को आप सभी के लिए यहाँ पर डिजाइन करवाया है खास तौर से। तो पीडीएफ में हम देखते हैं, न्यू पीडीएफ के अंदर इसमें आ गया है जो आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है। गिव मी अ 1 मिनट। तो इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, आपको क्या फायदे होने वाले हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। ये प्रोडक्ट आपके लिए, कहते हैं जब बात ही करनी है हेल्थ की और वेल्थ की तो पूरी तरीके से कर लेते हैं। यस यस, जब बात ही करनी है हेल्थ और वेल्थ की तो पूरी तरीके से कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड, आधा अधूरा क्यों। न्यू पीडीएफ किसी के पास अगर है तो मैं चाहूंगा शेयर करें, वो हमने सभी के लिए शेयर किया था न्यू पीडीएफ। न्यू पीडीएफ में जो भी हमारे फाइटर्स हैं एक बार
मैं चाहूंगा आप पीडीएफ शेयर करें। कोई आ गया, गुड। प्रोडक्ट पे चलेंगे सर। ओके, आप सभी को अभी वन मिनट के अंदर है आपके सामने। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी आपके लिए हर वो प्रयास कर रही है। अपना मकसद सीधा सा है कि आप सभी फाइटर्स यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, किसी के साथ अगर बैठते हैं, अपना समय देते हैं, आने जाने में अपना पैसा खर्च करते हैं, तो वो 101% सार्थक होना चाहिए। यानी कि वो पूरी तरीके से आपका पैसा पूरी तरीके से कामयाब होना चाहिए, क्योंकि खर्चा समय जो आपने दिया ये बार बार नहीं मिलता। तो माय डियर फ्रेंड, हम आपके लिए और क्या लेकर आए वो दिखाता हूं मैं आप सभी को यहाँ पर। तो चलिए, ये कुछ प्रोडक्ट है जो हमने आपके लिए यहाँ पर बहुत खोज के लेकर आए हैं, ढूंढ के लेकर आए हैं, क्योंकि अब तक आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कंपनियां तो बहुत चल रही हैं, बट वो कंपनियां कर क्या रही हैं वो भी जान रहे होंगे आप। बट अगर एनबी शॉपी की बात करते हैं, हम सबसे अलग हैं, सबसे अलग हटके हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की पूरी जरूरत की जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, हम एक्स्ट्रा किसी की डिमांड नहीं बना रहे, ना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, और ये भी एक ऑप्शन आपके लिए आया है, डाइट का। 3 मंथ का डाइट आपको चार्ट साथ में काउंसलिंग मिलेगी माय डियर फ्रेंड, जिसका बर्थ मार्केट में 9000 का है, बट आपको मिलेगा मात्र 3500 रुपए में। और एनबी शॉपी में आईडी 101% फ्री और विद 4000 पीवी के साथ। तो मल्टी लेवल मार्केट में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अल्टीमेट प्रोडक्ट, अल्टीमेट चीजें, इसके बारे में हम बकायदा आपको ऑनलाइन डाइट काउंसलिंग आपको देंगे। बहुत ही अल्टीमेट ऑनलाइन डाइट काउंसलिंग रहेगी, जो हर वीक में एक बार रहेगी आपकी, और साथ साथ आपको डाइट चार्ट आपका बना के दिया जाएगा। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम से अगर आप यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो ये आपके लिए सुपर अल्टीमेट प्रोडक्ट चीजें हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप एक के साथ एक, एक के साथ एक, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो चलिए, मचाते हैं हंगामा, लगाते हैं आग मार्केट के अंदर, और जोड़ते हैं टीम को, कमाते हैं पैसा, दबाकर सारे फाइटर्स यहाँ पर। माय डियर फ्रेंड, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, क्योंकि हम देंगे सबको रोजगार। तो जोश से ये लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। दो आइडिया इस समय आ चुकी हैं राजेश अग्रवाल सर के यहाँ पर, दो आईडीज यहाँ पर, यानी कि दो पैकेज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। दो पैकेज जिसमें वासिद अली जी और साथ में उनकी डाउनलाइन अभी अभी न्यूली हमारी सिल्वर स्टार जिनको अभी आप सुन रहे थे, विनीता जी, दोनों लोगों ने बाय किया है। मैं आपको लाइव स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा आप सभी को। आपने यहाँ पर कोर्स को बाय भी कर लिया है, तो कंग्रेचुलेशन, मुबारक। लाइव डेमो, लाइव सेशन, 100% रिजल्ट, क्या बात है, इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? सर अपना स्क्रीन शेयर करें और एक बार सभी को स्क्रीनशॉट दिखाएं। तो ये वाले ओके, तो दिखाते हैं आप सभी को यहाँ पर लाइव। दो यहाँ प्रोडक्ट्स का शुभारंभ हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। देरी ना करते हुए आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें, और देखें इनकम का कैसे तहलका मस्ता है। 10,000 रुपए इधर आ चुका है माय डियर फ्रेंड, 10,000 रीबर्थ राजेश सर का। बकायदा आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी का नाम रीबर्थ, रीबर्थ जो सर की कंपनी का नाम है, जो सर की ऑर्गेनाइजेशन है रीबर्थ राजेश सर का। यूपीआई में आपका ये पेमेंट ऑलरेडी जा चुका है। जी हाँ, ये 2 बजे ही बुकिंग हो चुकी थी, और इसको प्रमोशंस के लिए अब हम लॉन्च कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कहते हैं जो काम करना है तो वो करना है, तो फिर जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। चलिए मिलकर इतिहास रचते हैं। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। बैक टू होस्ट,
एवरीवन, जो भी हमारे फाइटर्स हैं, कंटिन्यू कीप इट अप। हैंड ओवर टू यू अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करें और सर, हमारे सर और सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। सभी लोगों के माइक अनम्यूट है। ऑप्शन सर, वाह, सुपर सर, सुपर सर, ग्रेट सुपर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, तो देखा आप लोगों ने पावर एनवी शॉपी की। बड़े ही प्यारे ही अंदाज के अंदर आज हमारे गुरुजी आए और हमें बड़े ही प्यारे ही अंदाज के अंदर बहुत सारी चीजें आज हमारे सामने क्लियर की। वो कहते हैं ना कि बुलबुल को बुल, शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को बुल और शम्मा को परवाना चाहिए, हमें तो एनवी शॉपी का भरपूर दीवाना चाहिए। बुलबुल को बुल, शम्मा को परवाना चाहिए और हमें तो एनवी शॉपी का अब भरपूर दीवाना चाहिए। कोई करे हमारे एनवी शॉपी की बुराई, कोई करे हमारे एनवी शॉपी की बुराई, उसे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए और मरने के बाद उनके घर वालों को एक बार एनवी शॉपी का विजिट कर ले जाना चाहिए और 1197 रुपए की आईडी लगा के फिर उनके घर वालों को करोड़पति बन जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और सही कहा सर ने कि जो काल करे सो आज करे सो अब। जिसने किया आज उसने किया राज और जिसने किया कल उसका दिन गया टल। हमने तो बुकिंग करा दी है क्योंकि हमें नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, हमें बहुत कुछ सीखना है सर से, क्योंकि जो सीखना होता है ना वो किसी उम्र को नहीं देखता कि यार आपकी एज क्या हो गई, आपका लेवल क्या हो गया। सीखते रहो, आप किसी भी टीचर्स के पास जाओगे वो हमेशा सीखते हुए रहता है। अगर आपको एक बड़ा लीडर बनना है, अगर आपको बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो आपको उन लोगों की सोबत में रहना पड़ेगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर महारत हासिल की है। वो किसी ने कहा ना कि अगर आप सक्सेस नहीं है आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में चले जाओ, वो आपको धक्के मार 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 के आपको सक्सेस कर देंगे। सोबत का असर है। तो मैंने तो आज हमारे गुरुजी के माध्यम से पेमेंट कर दिया है। मैं, मेरी एक टीम लीडर्स हैं विनीता तोमर जी, उन्होंने कहा सर जब आपने किया तो हमें भी करना है, क्योंकि यही चीज होती है। मैंने कहा ना जो करे आज उसने किया राज। और मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों, आज सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि वो आते हैं हमेशा हमें चार चांद लगा देते हैं। वो कहते हैं ना कि सोच को बदलो सितारे बदलेंगे और नजर को बदलो नजारे बदलेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे और हैव ए कैपिंग डे, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है, पर डे 5,000, पर डे 5,000। ओके, बाकी थैंक यू सो मच सर कि आप आए और हमारे जितने भी फाइटर्स को आज जबरदस्त तरीके से मोटिवेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।